तो हेलो दोस्तों, यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक ज़बरदस्त मैच शुरू होने वाला है जो कि आज अपन लोग खेल रहे हैं बहुत दिनों बाद गेमिंग एरिया 51 पर, ठीक है ना। यहाँ पर टॉस हो रहा है और टॉस में मैंने लिया है हेड, और ये समझ लो ये पहला गेम प्ले वीडियो होगा गेमिंग एरिया 51 का। तो देखते हैं क्या होता है। टॉस जीत कर करते हैं बैटिंग करने का ज़बरदस्त तरीके से फैसला। यहाँ पर दोनों एम्पायर आते हुए हाथ मिलाकर, और भाई इसके और ये फील्डिंग टीम, और सॉरी ये तो बैटिंग टीम है, इसकी पहले फील्डिंग टीम आई थी। पहली गेंद देखो भाई आफरीदी की, और बहुत बढ़िया तरीके से राहुल ने उठा के मारा है 30 यार्ड को पार करी बॉल, और ये 4 रनों के लिए बॉल बाउंड्री से बाहर। मतलब पहली ही गेंद पर मिल गया है चौका बहुत ही जबरदस्त तरीके से। एक रिप्ले में देख लो भाई, क्योंकि ये शॉट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसा कि शायद आपको पता होगा ये शॉट मेरा लगभग फेवरेट है, ठीक है ना। तो ये जबरदस्त अगली बॉल देखते हैं, एक और हवा में उठा के मारा है भाई, और ये एक और बढ़िया सिक्स। पहला चौका था, दूसरी डॉट, और ये सिक्स पड़ता हुआ यहाँ पर। ये जबरदस्त शॉट था भाई, आप मानो या ना मानो ये 91 मीटर का सिक्स है, ठीक है, मानना पड़ेगा क्योंकि वहाँ लिखा हुआ है। जबरदस्त तरीके से एक और सिक्स मारा इसी के साथ। अगली बॉल के लिए स्ट्राइक पर राहुल, हवा में बॉल जरूर है लेकिन 1 रन यहाँ पर मिल जाएगा क्योंकि पीछे फील्डर लगाया हुआ डीप पॉइंट पर पाकिस्तान ने, ठीक है ना। चलो अगली गेंद भाई रोहित शर्मा ने उठा के मारा है भाई, और ये 1 बाउंस 2 बाउंस बाउंड्री 4 रनों के लिए भाई। मतलब पहले ही ओवर में 3 बाउंड्री पड़ चुकी है भाई, देखना होगा 2 ओवर में कितना स्कोर बन पाता है। एक और भाई बॉल हवा में उठा के एक और चौका रोहित शर्मा के बल्ले से भाई, 2 बॉल पर कंटिन्यू 2 चौके खल चुके हैं। मतलब ओपी भाई, जबरदस्त। और ये डॉट बॉल यहां पर, पहली बॉल डॉट हो चुकी है भाई। अगली गेंद उठा के मारा है बढ़िया तरीके से डी पॉइंट पर फील्डर, 1 ही रन मिलेगा यहाँ पर। दूसरा ले लेंगे भाई, अपन है अपन कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा ले लिया यहाँ पर, अगली गेंद के लिए तैयार, और ये तो बाउंड्री जानी ही थी क्योंकि डीप स्क्वायर लेग पर कोई फील्डर नहीं है। 30 यार्ड को पार किया चौके के लिए बाउंड्री से बाहर, और ये लोकेश राहुल का एक और चौका। मतलब लोकेश ने मारा ना भाई, ये लोकेश ही मार सकता है, जबरदस्त तरीके से उठा के मारा था 4 रनों के लिए। ये बॉल भी जाएगी बाउंड्री के बाहर, क्या जबरदस्त शॉट मारा। मतलब भाई पीरो हैं अपन, ठीक है ना, कितने भी दिन बाद खेलें। चलो भाई अगली गेंद, और ये 1 बाउंस आ चुकी थी इसलिए ये भी मुझे लगता है ये नो बॉल हो जाएगी भाई, क्योंकि ये सेकंड बाउंस है तो ये नो बॉल। इसी के साथ मिलती हुई फ्री हिट, क्या इस फ्री हिट का अपन लोग फायदा उठा पाएंगे। चलो भाई लोकेश राहुल स्ट्राइक पर, हवा में गेंद है यहाँ पर, पीछे फील्डर है, क्या ये कैच हो सकता है? बिल्कुल, लेकिन कोई फायदा नहीं क्योंकि ये फ्री हिट थी, तो यहाँ पर 1 रन मिला। मुझे लगता है 2 ले लेने चाहिए थे, 2 ले सकता था। चलो भाई ये अगली बॉल उठा के मारा है, पीछे कोई फील्डर नहीं है, क्या ये छक्का जाएगा भाई? ये सिक्स है, लेकिन एम्पायर ने चौका दिया भाई। रिप्ले दिखाओ जरा यार, इस रिप्ले में भाई आप लोग ध्यान से देखना, ये जो बॉल है ये नीचे जा रही है, डाउन डाउन डाउन, ये बाहर गिरी है यार, ये सिक्स था भाई, ये सिक्स लग रहा था। चलो कोई बात नहीं, आखिरी बॉल बीट होते हुए भाई यहाँ पर 31 स्कोर बनाया है इंडिया ने यहाँ पर, और पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए 32 रन 2 ओवर में। बुमराह की पहली गेंद, ड्राइव मारने की कोशिश लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं भाई। बुमराह की अगली गेंद रिजवान के लिए, उठाकर जरूर मारा है, पीछे फील्डर लगाया हुआ है, 1 रन यहाँ पर आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। मतलब 2 गेंदों में स्कोर हुआ है 1 रन, और बुमराह की अगली गेंद, और ये बहुत बढ़िया बाबर आजम ने मारा जबरदस्त शॉट, मतलब पिरो लेवल का शॉट, लेकिन 1 चौका मिलता हुआ यहां पर, ठीक है। बुमराह की गेंद पर चौका मार दिया, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं ब्रदर, ठीक है ना। जबरदस्त तरीके से चौका, रिप्ले में देख लो जरा भाई, क्या जबरदस्त शॉट था। वैसे ये सिक्स जाता तो ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन बॉल बहुत अच्छी थी इसलिए ये गया सिर्फ चौका। फील्डर एक पीछे लगाया हुआ था लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ इसका, इसलिए ये बॉल गई बाउंड्री के बाहर। अगली गेंद देखते हैं बुमराह की बाबर आजम के लिए, और ये भाई फील्डर पीछे है इसलिए यहां पर 1 रन मिल जाएगा, ठीक है ना। और अभी 4 गेंदों में आ चुके हैं 6 रन भाई। अगली गेंद यहाँ पर फिर उठा के मारा है, पीछे कोई फील्डर नहीं, 1 बाउंस 4 रन, बहुत बढ़िया चौका यहाँ पर मोहम्मद रिजवान के बल्ले से भाई। एक और चौका मिलता हुआ यहाँ पर, दूसरा चौका पाकिस्तान का, और एक और शॉट हवा में गेंद, 1 बाउंस एंड 4, 3 चौके आ चुके हैं इस ओवर में, मतलब 14 रन आ चुके हैं भाई 1 ओवर में। आखिरी ओवर स्पिनर से डलवाएंगे, जडेजा की पहली गेंद मारने की कोशिश, बीट होते हुए यहाँ पर आजम भाई। अगली गेंद रविंद्र जडेजा की, उठा के जरूर मारा है, डीप पे फील्डर है, क्या ये कैच होगा? बिल्कुल कैच होगा भाई, जबरदस्त कैच लेता हुआ यहाँ पर डीप स्क्वायर लेग का फील्डर, और यहाँ पर दूसरी गेंद मिलती हुई सफलता। जडेजा ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन किया यहां पर, बाबर आजम को चलता किया 5 रन के स्कोर पर। अगला स्ट्राइक पर है मोहम्मद रिजवान, और ये उठा के मारा है रिजवान ने भाई, फील्डर पीछे नहीं है, 1 बाउंस और 4 रन, 18 रन हो चुके हैं भाई यहां पर पाकिस्तान के। क्या पाकिस्तान यहां पर जीत सकता है? 14 रन चाहिए हैं जीतने के लिए भाई, यहां पर बस सिर्फ 14 रन चाहिए 3 गेंदों में। जडेजा की अगली गेंद उठा के मारने की कोशिश, लेकिन कोई रन नहीं, 1 रन मिल जाएगा, फील्डर था पीछे। 13 रन चाहिए हैं 2 गेंदों में, लगभग नामुमकिन हो गया यहां पर जीतना। और स्ट्राइक पर है जमन, और जमन ने उठा के मारा, क्या ये सिक्स जा रहा है? नहीं,
ये कैच हो रहा है भाई, जडेजा, ओपी जडेजा, एक और विकेट मिलता हुआ यहाँ पर जडेजा के लिए, और अब पाकिस्तान का जीतना लगभग नामुमकिन है क्योंकि 13 रन चाहिए है एक गेंदों में। जडेजा ने मैच को पलट दिया, पहले ओवर में आए थे 14 रन, लेकिन जडेजा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी और सिर्फ 5 रन दिए हैं, अभी तक 2 विकेट ले लिए हैं। आखिरी गेंद फ्लिक जरूर किया है रिजवान ने, एक ही रन मिलेगा यहाँ पर रिजवान के लिए। इसी के साथ इंडिया ये मैच जीतता हुआ 12 रनों से, भाई ये जबरदस्त मैच, 11 रनों से माफ करिएगा, 11 रनों से इंडिया ने ये मैच जीता है, बहुत ही जबरदस्त गेम प्ले इंडिया के द्वारा। और जडेजा ने जो गेंदबाजी करी है वो बिल्कुल ही ओपी लेवल की।